हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 GB सी की इंग्लिश की लेसन नंबर 5 द टाइगर क्लाउड्स। यहाँ पे जो हमारे राइटर होते हैं वो रेलवे के स्टेशन हाउस में सो रहे होते हैं और सडनली डिस्कवर करते हैं कि टाइगर उनके सामने है, और फिर दोनों के बीच में क्या मारामारी होती है ये लेसन में हम लोग डिस्कवर करेंगे, और एंडिंग में किसकी जीत होती है और क्या होता है टाइगर का उसके बारे में हम लोग डिस्कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। The Tiger's Claw Part 1. I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in it. यहाँ पे जो हमारे राइटर होते हैं वो रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो एकदम नींद में होते हैं, और वैसे ही जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने टाइगर उनके डोर पे खड़ा होता है। इट वॉज़ अ मडल मोमेंट फॉर मी, उनके लिए बहुत ही ये कन्फ्यूजिंग मोमेंट होता है, नॉट बींग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर द आई वॉज अबव अवेक। यहाँ पे उनको लगता है कि ये क्या ड्रीम चल रही है, या फिर मैं जग गया हूँ, या फिर मैं अभी भी सोया हुआ हूँ, उनको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आई एट अ फर्स्ट थॉट इट वॉज माई फ्रेंड द स्टेशन मास्टर हु वॉज कमिंग इन इट। उनको लगा कि पहले तो कि उनका फ्रेंड स्टेशन मास्टर जो है वो आ रहा होगा, बट माई ड्रीम हैड फुली प्रिपेयर माई माइंड, लेकिन वो जो सपना था उन्होंने उनके माइंड को ऑलरेडी पहले से रेडी कर लिया था। आई सो द थिंग्स क्लियरली अगेंस्ट द स्टारलिट स्काई, देखने जाए तो मुझे बहुत ही जो चीज़ें थी बहुत ही क्लियरली दिख रही थी, सामने जो थी वो जो लाइट की तरह शाइनिंग आइज है टाइगर की, उनकी जो टेल थी वो मूव कर रही थी ऐसे सेवरल टाइम्स, और ग्राउलिंग साउंड जो आवाज़ निकालते हैं टाइगर वैसे आवाज़ आ रही थी। एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आइज क्लीमिंग थ्रू द डार्क, और डार्क में उनकी जो आइज थी वो चमक रही थी। आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग डे। उनको लगा कि शायद मैं अभी नहीं बचूंगा, जो फर्टिलाइजर कंपनी को जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ ना कल, वो तो अभी कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ये टाइगर मुझे छोड़ेगा नहीं। द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रैटल स्टार्टल्ड बाई द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेजिटिंगली, और जो टाइगर था वो भी वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था जो चेयर का आवाज़ आ रहा था, और वो वहीं पे खड़ा रह गया था। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर एंड ही सीम्स टू बी टेलिंग हिमसेल्फ, वो मुझे अपने कॉर्नर में, मैं अपने कॉर्नर में बैठा हुआ था, जो हमारे राइटर है वो कॉर्नर में बैठे हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि टाइगर उन्हें बोल रहा था कि माई डिनर इज देयर रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट इज क्लटरिंग नॉइज इज अबाउट। ऐसा लग रहा था कि टाइगर अपने आप से बातें करते हुए बोल रहा था कि हाँ मेरा डिनर तो रेडी है, लेकिन ये जो नॉकिंग का साउंड है वो क्या चीज़ है वो पहले मेरे को पता चले। सेकेंड देखते हैं, सम हाउ द वाइल्ड एनिमल आर लेस अफ्रेड ऑफ बींग देन दे आर ऑफ अ पीस ऑफ अ फर्नीचर लाइक अ चेयर एंड टेबल। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो वुड की जो भी चीज़ें बनी होती है फर्नीचर चेयर टेबल से उनसे थोड़ा अफ्रेड ही होते हैं। आई हैव सीन द सर्कल मैन मैनेजिंग अ होल मैनेग्रिल्स विद नथिंग मोर देन द चेयर। मैंने सर्कस में भी देखा है कि जो मैन है, मैनेग्रिल का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल का पूरा कलेक्शन, उसे सिर्फ एक जो चेयर होती है उससे मैनेज करता है। गॉड गिव्स अस सच अ रिकलेक्शन इन ऑर्डर टू सेव एस द क्रिटिकल मोमेंट, गॉड ने हमें बहुत ही अच्छा माइंड दिया है ताकि हम लोग मुसीबत के समय में ये सब चीज़ें रिकॉल करके प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर पाए। एंड एज अ टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी वॉचिंग द चेयर, टाइगर मुझे भी देख रहा था और चेयर को भी देख रहा था। आई पुट आउट माई हैंड एंड विद अ डेस्परेशन, मैंने अपने हाथ ले लिए और डेस्परेशन में स्ट्रेंग ड्रू द टेबल टूवर्ड्स मी एंड आई ऑल्सो ऑन अ स्टूल। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ी स्ट्रेंग कलेक्ट की टेबल की तरफ, एंड ऑल्सो द स्टूल और स्टूल की तरफ भी, स्टूल मतलब टेबल होती है एक छोटी सी। आई सेट विद माई बैक टू द कॉर्नर, मैं बैक के थ्रू थोड़ा कॉर्नर की तरफ हो गया, द टेबल वेजेस इन द नाइसली विद द कॉर्नर, और जो टेबल था वो बहुत वेजेस मीन्स रखा हुआ था बहुत अच्छी तरीके से टेबल कॉर्नर में। आई सेट अंडर इन इट, मैं उसके नीचे चला गया एंड स्टूल वॉल अप अनदर साइड, और मैंने स्टूल को दूसरी साइड वॉल अप कर दिया। व्हाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन, मैं जब टेबल को खींच रहा था, और लॉट्स ऑफ थिंग फेल ऑफ इट, बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर गई, और टेबल लैम्प और लॉन्ग नाइफ पिंस ये सब चीज़ें नीचे गिर गई। फ्रॉम माई शेल्टर आई पिप्ड एट द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विद इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें करते करते वो टाइगर भी मुझे देख रहा था। एविडेंटली ही डिडंट लाइक हिज मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ हिज साइड, देखने जाए तो एविडेंटली मीन्स ऑब्वियसली टाइगर को अच्छा नहीं लगा कि उसका जो शिकार है उसकी आंखों से उलझन हो जाए। सो ही कॉशियसली एडवांस अ स्टेप और टू, सो वो कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली, उन्होंने एक स्टेप दो स्टेप आगे रखे, मेकिंग अ शॉर्ट ऑफ अ रंबलिंग नॉइज इन हिज थॉट, थोड़ा उसके गले में ऐसे आवाज़ करके, विच सीम्स टू बी शेकन अप अ लिटिल स्टेशन हाउस, ताकि आजू बाजू वाले स्टेशन वाले थोड़े डर जाए। माई एंड वॉज नियरिंग, मुझे मेरा अंत नज़दीक में दिख रहा था। आई रियली पिटेड द वुमन,
हुज लॉट इट वॉज टू हैव अ बिकमिंग माई लाइफ वाइफ. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो वाइफ है मेरे घर पे, मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसका हस्बैंड आज तो मरने ही वाला है. सो आई एम फीलिंग वेरी पिटी. मुझे बहुत ही खराब लग रहा था अपनी बीवी के लिए. आई हेल्ड अप अ चेयर लाइक अ शील्ड एंड फ्लोरिशड. मैंने चेयर को अपना एक शील्ड, प्रोटेक्टिव जो प्लेट होती है वो समझ के रख दिया. मतलब मैंने अपना कवच बना लिया. एंड टू वेव अराउंड टू मेक अदर सी. और मैंने वेव करी ताकि लोग मुझे देख पाए. एंड टाइगर हेजिटेट एंड फेल बैक अ स्टेप ऑर्डर टू. और वापस से जो टाइगर है वो इसके डर के मारे दो स्टेप पीछे चला गया. नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर द ईच अदर्स मोमेंट. हम दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे, एक मोमेंट देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड. मैंने अपनी सांस को थाम लिया और मैं वेट करने लगा. द टाइगर स्टूड देयर फियर्सली वेविंग हिज टेल्स. और टाइगर अपनी पूंछ हिला रहा था. विद समथिंग समटाइम्स स्ट्रक द स्लाइड वॉल. और जो हिलाते हिलाते वॉल पे भी लग रही थी. एंड सेंड फॉर द थर्ड. यहाँ पे वो आगे की तरफ भी अपनी पूंछे हिला रहा था. और इस हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे को कंटिन्यूसली देख रहे थे. ही सडनली क्राउच डाउन विदाउट टेकिंग हिज आइज ऑफ मी. और वो मेरे पे ऐसे कूदा बिना अपनी आइज को इधर उधर घुमाए. द स्क्रैच द फ्लोर विद हिज क्लाउ. और मैं पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा ऐसे क्लाउड से नीचे फ्लोर को स्क्रैच कर लिया. ही शार्पनिंग देम फॉर मी. आई टोल्ड माई सेल्फ. उन्होंने बोला कि शायद वो शार्प कर रहा है मेरे लिए, मुझे चील डालने वाला है अभी. द लिटल शेक हैड ऑलरेडी अक्वायर द स्मेल ऑफ अ जू. मुझे ऑलरेडी उसमें से जू की स्मेल आ ही रही थी. इट मेड मी सिक. मुझे बीमार बना रही थी. द टाइगर कैप स्क्रैचिंग द फ्लोर विद हिज फोरपाव. मानो अपना हाथ ऐसे घिस रहा था, मानो अपने नेल्स को शार्प कर रहा हो. इट वॉज द मोस्ट हीडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ. और ये बहुत ही खराब साउंड था अगर आपने सुना हो तो. पार्ट टू देखते हैं. All of the sudden he sprang up and flung his entire weight on its lots of furniture. फिर वापस से वो कूदा टाइगर और उसने अपना पूरा वेट फर्नीचर के ऊपर डाल दिया. आई थॉट इट बी रिड्यूस टू मैच वुड बट फॉर्चुनेटली योर रेलवे हैव अ लॉट्स ऑफ फोर साइड्स एंड चूज द हैवियर टिम्बर फॉर दैट फर्नीचर. पर मुझे लगा कि वो टूट जाएगा, लेकिन मुझे लगा है कि बहुत अच्छे मटेरियल से फर्नीचर बनाया है रेलवे का ताकि उसका वजन टकरा है. दैट सेव मी. और इसकी वजह से मैं बच गया. The tiger could do nothing more than the perch himself on the roof of the table. वो टेबल के ऊपर चढ़ गया था टाइगर. एंड हैंग डाउन हिज पाव. और उसके पाव नीचे लटक रहे थे. ही ट्राइड टू स्ट्राइक मी डाउन. और वो मुझे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था. एंड बट आई पैड विद द चेयर एंड स्टूल. लेकिन मैंने चेयर और स्टूल को पकड़े रखा था. द टेबल रॉक अंडर हिम. और जो टेबल था उसके नीचे था. आई फेल स्मूदर. और मुझे थोड़ा स्मूदर फील हुआ. स्मूदर का मतलब होता है सफोकेटिंग. मुझे थोड़ा सफोकेटिंग सा फील हुआ. एंड आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी. मुझे लग रहा था मैं टेबल के नीचे, वो टेबल के ऊपर. मुझे उसकी सांस पूरी सुनाई दे रही थी, सांस आ रही थी. मुझे पूरी उसकी फील हो रही थी, उसकी सांस. ही सेट कम्प्लीटली कवरिंग द टॉप. और वो पूरा टॉप कवर करके बैठ गया था. वेंट ऑन शूटिंग हिज पाव इन माई डायरेक्शन. और वो अपने पाव बारी बारी मेरी डायरेक्शन में शूट कर रहा था. ही वुड हैव अ स्कूप पोर्शन आउट ऑफ मी फॉर हिज यूज. वो ट्राई कर रहा था कि अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा वो ले ले. बट फॉर्चुनेटली आई सेट राइट इन द कॉर्नर. पन मैं राइट कॉर्नर में बैठा हुआ था लकीली. द हेयर ब्रिड आउट ऑफ हिज रीच ऑन एनी साइड. और उसके हेयर देखने जाए तो किसी भी साइड से मुझे टच कर सकते थे वैसे लग रहा था. ही मेड अ विशियस साउंड. और वो बहुत ही वायलेंट साउंड बजा रहा था अपने मुँह से. और बहुत ही ख़राब तरीके से साउंड निकल रहा था. और रिंगल ओवर माई हेड. और वो अपनी बॉडी को मेरे हेड के साइड पर ट्विस्ट कर रहा था. ही कुड हैव नॉक द चेयर टू वन साइड. उन्होंने जो टाइगर था उसने एक चेयर को एक साइड पे फेंक दिया. एंड ड्रैग मी आउट ऑफ इफ़ ही हैड कम डाउन. और नीचे आ जाएगा तो फिर वो मुझे खींच के बाहर निकाल सकता था. बट सम हाउ द साइड ऑफ अ चेयर सीम्स टू बी वरी हिम फॉर अ वाइल. लेकिन जो चेयर की साइज थी वो उसके लिए थोड़ी नज़र में नहीं आ रही थी. ही प्रिपेयर टू बी आउट ऑफ हिज रीच. ऐसा लग रहा था कि ये उसके पहुँच से बाहर थी. दिस बैटल वेंट ऑन फॉर अ वाइल. और ये जो लड़ाई थी हम दोनों की वो थोड़ी देर के लिए चली रही. आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग. मुझे नहीं पता कितनी लंबी. टाइम हैड कम टू द डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड. मेरे लिए टाइम नज़दीक ही था मरने के लिए. ही जम्प डाउन. वो नीचे आया. वॉक अबाउट द टेबल. टेबल के पास आया लुकिंग फॉर द गैप.
और वो गैप को देखा कि कैसे अंदर जा सकता हूँ। आई रेटल द चेयर अ कपल ऑफ अ टाइम, मैंने बहुत बारी यहाँ पे नॉकिंग साउंड बनाया क्योंकि उस वो नॉकिंग साउंड से दूर रहता था, तो मैंने नॉकिंग का साउंड बनाया कपल ऑफ टाइम वहाँ पे चेयर में अंदर से ही। बट वेरी सून इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर्म हिम, बट अभी ऐसा लग रहा था उसका डर ही निकल गया हो। ही पैटेड द चेयर, उसने चेयर को ठोका एंड फाउंड इट इन ऑफेंसिवली हार्मलेस, ने उसने देखा कि ये तो थोड़ा भी हार्मफुल नहीं है। एट दिस डिस्कवरी ही ट्राई टू हडल इट असाइड, और उसने ये जो डिस्कवर किया कि अच्छा ये तो कुछ हार्म नहीं होगा मेरे को, सो उस हिसाब से उसने बहुत ही फोर्स से चेयर को दूसरी साइड पर फेंक दिया। बट आई वॉज टू क्विकली फॉर हेम, और ये बहुत ही क्विक था उसके लिए। आई स्विफ्टली ड्रो इट टूवर्ड मी एंड विच इट्स टाइड इन टू द आर्क ऑफ द टेबल, और ये बहुत ही फास्ट था उसके लिए, इसने मेरी तरफ फेंका एंड देखने जाए तो वो मेरी साइड आया। आई वॉज मोर और लेस इन इन स्टॉकेट्स मेड ऑफ अ लेग ऑफ द फर्नीचर, और मैं फर्नीचर के लेग के साइड बैठा हुआ था। ही सेट अप ऑन अ हॉन्चेस इन फ्रंट ऑफ मी, हॉन्चेस का मतलब होता है जो पर्सन्स के लेग के पास जो टॉप होता है और जो बॉटम होता है वो। ही सेट अप ऑन हिज हॉन्चेस इन फ्रंट ऑफ मी, और वो टेबल के लेग के पास बैठ गया एंड वंडरिंग हाउ बेस्ट टू गेट मी, और वो सोचने लगा कि किस हिसाब से मेरे तक पहुँचा जाए। नाउ द चेयर टेबल स्टूड हैड फॉर्म अ सॉलिड ब्लॉक, चेयर टेबल और जो स्टूल थे मेरे लिए एक सॉलिड ब्लॉक हो गए। विथ मी एट देयर हार्ट दे वुड विदस्टैंड ऑल हिज ट्रिक्स, लेकिन उसकी सारी ट्रिक्स के सामने मुझे यही चीज़ें बचा रही थी। ही स्क्रूटिनाइज माई अरेंजमेंट विद अ ग्रेट इंटरेस्ट, उसने मेरे जो अरेंजमेंट को एकदम शांति से केयरफुली डिस्कवर किया। एस्पाइज अ गैप, उसने वो गैप को देखा। सडनली उसने वो गैप देखा जहाँ से वो मेरी तरफ पहुँच सकता है एंड ट्रस्ट इज पाव नेट, और उसके पाव को अंडर डाला। इट डेंगल इन माई आईज, ये मेरी आंखों के सामने झूल रहा था ये चीज़। डेंगल का मतलब होता है विद द कर्व क्लाउज ओपनिंग आउट टूवर्ड्स मी, और उसका जो क्लाउ मेरी तरफ आ रहा था। आई फेल्ट वेरी एंग्री एट दैट साइट ऑफ दिस, मुझे बहुत ही गुस्सा आया ये देखकर। व्हाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप ऑल इन हिज वे, और ये मैं ऑफेंसिव क्यों कर रहा हूँ उसकी सारी डायरेक्शंस में। आई फेल्ट वेरी इंडिग्रेट, मैं मुझे बहुत ही गुस्सा आया। द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर टेबल वॉज लाइंग नियर बाई, जो मैंने सामान हटाया था उसमें नाइफ नीचे पड़ी हुई थी, तो मैंने वो उठाई। आई पिक्ड इट अप एंड ड्रॉ इट इन इट, और मैंने अंदर डाल दी उसके हाथों के अंदर। ही विदड्रॉ हिज पाव, उसने अपना पाव दूर कर लिया, अपना हाथ उठा लिया एंड मैडन बाई द पेन, उसको बहुत ही पेन हुआ। ही जम्पड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम, और वो जम्प करने लगा एंड देन ट्राई टू क्रैक टू अ बिट अ एंटायर स्टॉकेज। देखने जाए तो वो स्टॉकेज के अंदर और ज़्यादा घुसने की ट्राई की उसने एरिया के अंदर। एंड देन फिर हुआ क्या, ही देन ट्राई टू क्रैक द बिट टू द एंटायर स्टॉकेज, ही डिड नॉट सक्सेस, लेकिन उसको लगी थी इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। ही वंस अगेन थ्रस्ट हिज पाव इन इट, वापस से अंदर उसने अपना पाव डालने की कोशिश की। आई अप्लॉय द नाइफ टू द गुड पर्पस, और वापस से मैंने नाइफ यूज़ की एंड कट ऑफ द डिजिट्स विद द क्लाव ऑन इट, और दो मतलब देखने जाए तो आगे का एक और ये दूसरा, वैसे करके तीन क्लॉज उसके काट लिए। इट वॉज फाइट टू बी फिनिश बिटवीन हिम एंड मी, और ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच की अभी फाइट खत्म हो गई। ही रिटर्न अगेन एंड अगेन टू चार्ज, और वापस वो रिटर्न आता गया वापस से हमला करने के लिए। एंड आई कट आउट एंड लेट मी कन्फेस थ्री, और मैंने कट कर ली उसके पाव एंड थ्री क्लॉज बिफोर आई हैड डन विद हिम, और मैंने तीन क्लॉज उसके काट लिए। आई हैड बिकम एंड ब्लड थ्रस्टी एज ही इज, वो भी खून का प्यासा था मेरी तरह ही। दोज क्लाउड्स माउंटेन ऑन द गोल्ड ऑन हैंगिंग अराउंड द नेक ऑफ माई डॉटर, और जो क्लाउड्स थे मैंने अपनी बेटी के लिए नेकलेस बना दिया। यू कैन कम एंड सी देन इफ यू लाइक सम टाइम, आप अगर फ्री हो तो कभी आ सकते हो मेरे घर पर ये देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।